ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद केंद्र सरकार अब सतर्क हो चुकी है और सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि इसका प्रसार पर रोक लगाई जाए। हालांकि मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि सर्दियों का मौसम जाने के बाद प्रवासी पक्षियों का भारत में आना शुरू हो जाता है और सबसे बड़ी वजह यही माना जा रहा है देश के अंदर बर्ड फ्लू के फैलने का। हालांकि मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गाजीपुर मुर्गा मंडी को एहतियातन 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है, लेकिन इसके बाद से ही मुर्गे के व्यापार में अब बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। मीट के जो दाम है वो लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता राकेश चावला ने जायजा लिया गाजीपुर मुर्गा मंडी का और वहाँ के कुछ व्यापारियों से बात की। तो आइए देखते हैं कि व्यापारियों का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। कल और परसों 2 दिन तो थोड़ा असर रहा है, रेट भी डाउन हुआ था, पर आज रेट जो है वापसी अप हो गया। क्योंकि लोग ग्राहक जो है उसमें कुछ कमी आई है बर्ड फ्लू? नहीं, 2 दिन कमी रही थी, पर आज जो है ग्राहक पूरा है, दुकानों में भी पूरी सेल है। यहाँ पर जो मुर्गे बाहर से जो आ रहे हैं, बाहर के राज्यों से आ रहे हैं, तो उनकी क्या सेफ्टी रखी जा रही है? जो बाहर से जो आ रहे हैं यहाँ मुर्गे, हमारे पास ज़्यादातर हरियाणा, राजस्थान से और पंजाब से माल आता है मोस्टली। वैसे ज़्यादातर जो है 50% से ज़्यादा माल जो है अकेला हरियाणा से आता है, और जो माल यहाँ आता है वो पहले से ही वहाँ से डॉक्टरी वही होती है, उसकी डॉक्टरी जांच कराने के बाद उसके बाद ही लोडिंग होता है और उसके बाद ही मंडी के अंदर एंटर होती है उसकी। यहाँ का अभी तक कोई ऐसा यहाँ ऐसा अभी तक कोई ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है मुर्गा, कोई परेशानी नहीं, कोई किसी चीज़ की कोई वो दिक्कत वाली बात। अच्छा, पिछले 2 दिन में कितना डाउन रहा था? पिछले दो दिन में जो रेट डाउन हुआ था वो तकरीबन मिनिमम 15 रुपये किलो तक डाउन हुआ था, पर आज जो है वो वापसी। आज कितना रेट है और पिछले 2 दिन में कितना? पिछले 2 दिन में 60 रुपये का रेट था, 55-60-65 रुपये तक बिका 2 दिन, आज वापसी 80 और 85 रुपये रेट।